current of 2 ampere is flowing in the given LR circuit. Find the voltage across AC source and the impedance of the circuit. ये आपका क्वेश्चन है. Current of 2 ampere is flowing in the given LR circuit. Find the voltage across AC source and the impedance of the circuit. ठीक है, इसके लिए देखिए आप करिएगा. हाँ देखिए, तो एल एंड आर बोथ हैव कनेक्टेड इन सीरीज. ठीक है, तो वी नो दैट इन प्योर इंडक्टेंस वोल्टेज लीड्स करंट बाय फेसिंग और बाय बाय टू. ठीक है, आपने प्रूव किया था कि प्योर इंडक्टेंस में क्या होता है, वोल्टेज लीड्स करंट बाय फेसिंग और बाय बाय टू ना. तो देखिए करंट डायरेक्शन सीरीज में देखिए रहेगा, मानते हैं करंट डायरेक्शन में एल में ए आर में भी रहेगा ना. ठीक है, तो ये क्या हो गया डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू करंट. अच्छा, इन प्योर रेजिस्टेंस वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन सेम फेज. तो अगर करंट राइट है तो वोल्टेज भी आपका राइट डायरेक्शन हो जाएगा. ठीक है, ये तो ये बी आर हो गया, ये बी आर हो गया, ये बी एल हो गया ना. तो वोल्टेज अक्रॉस एल एंड आर आर फेजर ना. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वेक्टर से हम करेंगे क्योंकि फेजर्स आर रोटेटिंग वेक्टर्स. इन द वेक्टर्स हम करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ बी आर आपका ये है ना. इनका सिंपल सम नहीं होगा बल्कि वेक्टर सम होगा, क्योंकि हमने सोच किया कि जो है वोल्टेज एसी वोल्टेज एंड एसी ए एसी वोल्टेज एसी करेंट आर रोटेटिंग वेक्टर्स नोन एज फेजर ना. तो इसलिए दे होल्ड लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, दे होल्ड लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा ना. तो अगर बी आर की डायरेक्शन ये है तो बी एल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी. अभी अभी तो हम वेक्टर सम निकालेंगे. ठीक है, तो द इफ्टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम देन दे रिजल्टेड इन एक्सप्रेस बाय दैट डायगोनल व्हिच पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स. तो ये आपका बी आर है, बी एल है. ठीक है, तो एक पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लिया मैंने है, तो इनका रिजल्ट किससे रिप्रेजेंट होगा, किससे रिप्रेजेंट होगा. ठीक है, तो ये आपका हो गया बी. ठीक है, तो आप देखें दिस एंड दिस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. दिस लाइन एंड दिस लाइन था, दिस लाइन एंड दिस लाइन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड पैरेलल, सो दिस वेक्टर कैन बी ट्रांसफर ओवर दिस ना. तो ये आपका बी एल हो जाएगा. ठीक है, आपका बी हो गया. ठीक है, तो बी स्क्वायर फूल कितना हो जाएगा, बी आर स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर. ठीक है, और प्लस टू टाइम बी आर बी आर बी आर टू इंटू बी आर इंटू बी एल इंटू कॉस 90 जो कि जीरो हो जाएगा. तो परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए रिजल्टेंट ये होता हमारा ना. यहाँ से बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू बी आर. तो वैल्यू ऑफ बी आर इज 100, तो राइट हैंड 100 स्क्वायर ना. एंड वैल्यू ऑफ बी एल इज 240, तो राइट हैंड 240 स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पर 240 स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, अब तो कितना बजे बोले स्क्वायर ऑफ 100 जो है 10,000 हो जाएगा है ना. और स्क्वायर ऑफ दिस तो जीरो का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, तो 20 आ जाएगा. अब 24 का स्क्वायर करके कितना आएगा बताओ, है 24 का स्क्वायर करो, मल्टीप्लाई करो 24 से कितना आएगा. तो चलिए आप इन दोनों को ऐड कर लेते कितना हो जाएगा 676 डिग्री. ठीक है ना, है सही है, 20 हो गया आपका है. और चलिए और फिर 76 हो गया, 56 1 2 3 4 5. ठीक है, तो बी कितना हो जाएगा, बी फुल हो जाएगा स्क्वायर रूट का. ठीक है ना, अब इसका स्क्वायर रूट निकालिए, स्क्वायर रूट ऑफ 676 निकालो कितना.
स्क्वायर रूट ऑफ 676 00। स्क्वायर रूट ऑफ 676 छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में, ठीक है, कॉपी करिए।